नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जबलपुर के जय नारायण चौक शास्त्री ब्रिज के पास जनाक्रोश संस्था के द्वारा लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया गया। वहीं सदस्यों के द्वारा बताया गया कि शहर के नागरिक ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, इस हेतु जनाक्रोश संस्था द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और संस्था के इस अभियान में शामिल हों। जनाक्रोश संस्था के इस प्रयास में शहर की महापौर स्वाति गोडबोले जी व श्री विनय सक्सेना जी, विधायक उत्तर विधानसभा तथा अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। जनाक्रोश संस्था के सदस्य पीले रंग के यूनिफॉर्म में आपसे ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए अनुरोध करेंगे, उन्हें सहयोग प्रदान करें। ट्रैफिक नियम जैसे रेड सिग्नल में वाहन स्टॉप लाइन के पीछे खड़ा करें, ट्रिपल राइडिंग, ओवरटेकिंग, ओवर स्पीडिंग ना करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें, जैसी अन्य कई महत्वपूर्ण सूचनाओं को संस्था के द्वारा बताया गया। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं द खबरदार न्यूज की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपना अपना दायां हाथ आगे की ओर कर लें। कुमारी तेजस्वी दुबे हम सभी को स्वच्छता का संकल्प दिलाएंगे। मैं आज ये संकल्प लेती हूँ कि माँ नर्मदा जी के पवित्र जल में कोई भी अपशिष्ट पदार्थ, कोई भी कूड़ा कचरा प्रवाहित नहीं करूँगी तथा माँ नर्मदा तट को स्वच्छ तथा सुंदर बनाए रखने हेतु सहयोग प्रदान करूंगी। आज लिए गए संकल्प का जीवन पर्यंत निर्वाह करूंगी। नर्मदा मैया की जय। सन्यासी आते इसलिए उन सब भक्तों की सुरक्षा के लिए भी और हमें अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए भी एक यातायात से जुड़ा हुआ और सड़क के खतरों से जुड़ा हुआ एक जरूरी संकल्प लेना आवश्यक है। आज के पवित्र दिन हम नर्मदा मैया के तट पर ये संकल्प करते हैं कि मेरे साथ आप बोलिए, सभी बोलिए, यातायात नियमों के पालन के लिए, सड़क की सुरक्षा के लिए और दुर्घटना निवारण के लिए मैं अपनी गाड़ी वाहन चलाते समय पूरी एकाग्रता और सावधानी रखूंगा, जिसमें मेरे गाड़ी चलाने से ना मेरा कोई अहित हो ना अन्य यात्रियों का कोई अहित हो। इस संकल्प का मैं पालन करूंगा और जबलपुर शहर के यातायात को सुगम यातायात, शांत यातायात और सुरक्षित सुव्यवस्थित यातायात बनाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।